उसमें बचाव पक्ष के धारा 311 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर पीडब्ल्यू 11 शफीक अहमद को पुनः परीक्षा हेतु माननीय न्यायालय द्वारा तलब किया गया था। आज श्री शफीक अहमद उपस्थित आए थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उनसे पुनः क्रॉस एग्जामिन किया गया। अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज रामपुर की स्पेशल MPMLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष के 11वें गवाह शफीक अहमद अंसारी आज कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसमें बचाव पक्ष यानी अब्दुल्ला आजम खान के अधिवक्ता द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। कोर्ट का समय खत्म होने के चलते आज क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा नहीं हो पाया, इसलिए कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है, जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता शफीक अहमद अंसारी से क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा करेंगे। अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन प्रावत से संबंधित मामला जो माननीय विशेष मजिस्ट्रेट MPMLA कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में जो है लंबित है, उसमें बचाव पक्ष के धारा 311 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र पर पीडब्ल्यू 11 शफीक अहमद को पुनः परीक्षा हेतु माननीय न्यायालय द्वारा तलब किया गया था। आज श्री शफीक अहमद उपस्थित आए थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उनसे पुनः क्रॉस एग्जामिन किया गया और शेष क्रॉस एग्जामिन के लिए दिनांक 9 तारीख की तिथि निर्धारित की गई है। तो आज शफीक अहमद से क्या बचाव पक्ष ने जिरे की? हाँ, बचाव पक्ष ने प्रतिपरीक्षा पुनः किया है। पहले भी प्रतिपरीक्षा किए थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पुनः प्रतिपरीक्षा तलब किया गया था और बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा गवाह से प्रतिपरीक्षा किया गया। समय शीर्ष न आने के कारण समय समाप्त हो गया न्यायालय का, इसलिए जो है पुनः 9 तारीख की तिथि नियत की गई है।